ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिव पुराण के प्रथम खंड के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए, परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव से पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। शिवजी की यह पूजा से शिवजी भी इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन देने लगे। उस समय उनका शरीर अर्धांगनी था, अर्थात उनके दाहिनी ओर आधे भाग तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाएं ओर आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी, आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे, एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था, दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी, एक और डमरू की ध्वनि थी, दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद जी, भगवान सदाशिव की इस अर्धांगिनी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवन करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा धन्य भाग्य है जो आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मैंने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ। अब आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव जी की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव जी का अपमान करेंगे, उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।